सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। उत्तराखंड से एक खबर सामने आ रही है, जहां खबर है कि मदरसे बोर्ड के कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने मदरसा बोर्ड के अंदर बैठे सीनियर अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे मदरसा बोर्ड की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड दो हिस्सों में तब्दील हो चुका है। बोर्ड के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार अखलाक अहमद पर मदरसों की मान्यता के नाम पर धन उगाही का आरोप लगाया है। अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा बोर्ड के डायरेक्टर कैप्टन आलोक शेखर तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार अपने ऊपर लगे सभी ऐसे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब गलत बयानबाजी हो रही है। उन्होंने चुनौती दी कि वह कोई भी जांच करवा सकते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में मौजूदा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तैनाती पिछले कांग्रेस सरकार में हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार में हालात एकदम बदले हुए हैं। लिहाजा जैसे जैसे बोर्ड में राजनीतिक रंग बदलेगा, उम्मीद की जा रही है कि यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज होगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।